जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फैब्रिड एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इस डायग्राम को समझने से पहले हम थोड़ा प्लांट टिश्यू कल्चर के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो हाइब्रिड और फैब्रिड होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिसके द्वारा हम लेबोरेटरी में प्लांट को डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि आपका माइक्रो प्रोपागेशन, एंथर कल्चर, पॉलिन कल्चर और कैलस कल्चर। ये सारे मेथड हैं जिसके द्वारा हम लैब में आसानी से न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम प्लांट डेवलप करना चाहते हैं तो एक और मेथड है जिसका नाम है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसके द्वारा भी हम न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन के लिए फिजिकल और केमिकल मेथड का यूज़ किया जाता है और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाता है। अब हम इस प्रोटोप्लास्ट को कल्चर कर देते हैं और न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट वैराइटीज़ के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम एक सेम प्लांट में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये दोनों वैराइटीज़ के प्लांट हैं, इन दोनों से प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट करेंगे, ठीक। और आइसोलेशन के बाद इन प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के लिए कुछ केमिकल का यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जो इनका साइटोप्लाज्म है वो आपस में आसानी से फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियाई अलग अलग रहते हैं। इस स्टेज को हेटरोकैरियन कहते हैं। आपको इस डायग्राम में दिखेगा प्रोटोप्लास्ट ए, प्रोटोप्लास्ट बी, आपस में इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया लेकिन न्यूक्लियाई अलग अलग हैं, तो इसको हेटरोकैरियन कहते हैं, ठीक है। अब आगे का पढ़ते हैं। दिस बाई न्यूक्लिएट सेल आर नोन ऐसा हेटरोकैरियन। तो जो हमारी सेल है जिसका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो चुका है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज़ हो गया है, लेकिन जो उसके न्यूक्लियाई हैं वो अलग अलग है, तो इस स्टेज को हेटरोकैरियन कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, व्हेन ओनली साइटोप्लाज्म आर फ्यूज्ड एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज लॉस्ट इज नोन एज हाइब्रिड। अगर साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज़ हुआ लेकिन जो इसका न्यूक्लियाई है वो किसी एक सेल का लॉस हो गया, यानी कि उसका लॉस हो गया या लॉस करवाया गया, हम केमिकल की हेल्प से भी उसका लॉस करवा सकते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन को हम हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन अगर दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हाइब्रिड कहते हैं। देखते हैं डायग्राम के द्वारा। जैसे इसमें देखिए, ये ग्रीन वाला जो न्यूक्लियाई है वो उसका यहाँ लॉस हो चुका है, ठीक है, और ये यहाँ पर बचा हुआ है केवल ए सेल का न्यूक्लियाई। तो इस कंडीशन को हम हाइब्रिड कहते हैं। अगर ये दोनों आपस में देखिए फ्यूज़ हो चुके हैं यहाँ पर, इस चीज़ को हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड और हाइब्रिड का रोल प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत है, क्योंकि इसके द्वारा हम न्यू वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। हाइब्रिड का रोल जो उसके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं उसके द्वारा न्यू वैरायटी को डेवलप करने में होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये पूरी प्रोसेस जितनी भी थी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अगर हम हाइब्रिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिड। प्रेजेंट टाइम में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा राइस की काफ़ी अच्छी वैरायटी को डेवलप किया गया है। ये ज़्यादातर वैरायटियाँ चाइना में डेवलप की गई हैं। इसके अलावा जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा कैरेट की, ब्रैसिका, सिट्रस, टोबैको और शुगर वीट की भी न्यू वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं। इन वैरायटी से यील्डिंग काफ़ी अच्छी होती है और जो इसकी क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव की गई है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का एक और रोल भी है। अगर हम दो प्लांट वैरायटी हमने ली, ठीक, इसमें से एक प्लांट वैरायटी का हम चाहते हैं जो न्यूक्लियाई में जो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो हमारे एक प्लांट में आए, और जो दूसरी वैरायटी है उसकी अगर हम चाहते हैं साइटोप्लाज्मिक जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो हमारे एक प्लांट में आए, तो हम एक तो जो ये साइटोप्लाज्मिक करेक्टरिस्टिक फीचर वाला जो प्लांट होता है इसका न्यूक्लियाई को हम केमिकल की मदद से उसका लॉस करवा देते हैं और इन्हें आपस में फ्यूज़ करवाते हैं, तो एक ऐसा प्लांट तैयार होता है जिसमें एक प्रोटोप्लास्ट के जो होते हैं न्यूक्लियाई वाले फ़ीचर और प्रोटोप्लाज्म वाले वो साइटोप्लाज्म वाले फ़ीचर, और जो दूसरा प्लांट होता है उसके केवल साइटोप्लाज्म वाले फ़ीचर ऐड हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।